तो जाते हैं, एक स्टूडेंट का मसला है कि स्विचेस के इमेजेस को हम ईव में कहाँ पे कॉपी करेंगे। तो स्टूडेंट के सिस्टम में मैं हूँ, ठीक है, और ये स्विचेस की इमेजेस है, ठीक है। तो आपने कहाँ पे आना है, यहाँ पे चेक करके ये रहा, आइलो पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे बिन है, और ये सारे इमेजेस आपने यहाँ पे अपने सिस्टम से कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग करने हैं। जो लोकेशन है बेसिकली वो कौन सी है, वो है ओपीटी यूनिट लैब एड्स ऑन आईओएल एंड देन बिन, ठीक है। तो यहाँ पे आना है आपको, ठीक है, दोबारा जाते हैं। अच्छा, इसमें ये लाइसेंस फाइल होना चाहिए, मैंने इनको एक लिंक दिया था, उसने वहाँ से कॉपी की है। उस लिंक में ये सारे लेयर टू और लेयर थ्री इमेजेस है, प्लस इसका एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल में एक लाइसेंस होता है, अदरवाइज ये रन नहीं होगा, ठीक है। ये स्विचेस रन नहीं होंगे अगर ये लाइसेंस फाइल यहाँ पे नहीं है, बूट नहीं होंगे। इसके बाद आपने करना क्या है, जब ये कॉपी हो जाए तो यहाँ पे लॉग इन करके जो कि रूट इसका यूजर नेम है और ईव इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, अगर तब तक आप चेंज ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग इन करना है और एक वो कॉपी कर, वो खुद टाइप कर रहा है, ठीक है, तो उसको टाइप करने दो, शायद उसने पासवर्ड चेंज किया है, ये आ गया, ठीक है। और अप एरो पे करके शायद वो कमांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से एक अपने करना क्या है, एक छोटा सा फिक्स परमिशन वाला कमांड है, परमिशन ये रहा, इसको सर्च कर दो क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है। तो यहां से ये वाला है फिक्स परमिशन, ये कमांड रन करना है जब भी आप चेंजेस करते हो ईव में, ठीक है। तो आपने ये कमांड यहाँ पे लाजमी टाइप करना है, समटाइम इसकी वजह से फिर वो डिवाइसेस नहीं चलते, तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एडिट में जाके और फिर यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दो, क्योंकि हमने स्विचेस के इमेजेस कॉपी कर दी। तो इसको अपडेट करना है क्योंकि ये लिनक्स स्पेस है, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं, चूँकि ये कॉपी हो गई यहाँ पे जो डायरेक्टरी इसके लिए थी, तो इसको मिनिमाइज करके एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। तो ईव में आके आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके नोड में चले जाओ और आईओएल के नाम से ये है, इस फोल्डर में जाके आपको यहाँ पे लेयर टू और लेयर थ्री इमेजेस सारे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और आपने क्या करना है, स्विचेस के इमेजेस के साथ इनका नाम चेंज नहीं होता, तो नाम चेंज करना है, और अगर आइकन स्विच का रखना है तो अनफॉर्चुनेटली आपको स्विच का आइकन भी चेंज करना होगा, और इसको सेव कर दो तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे राइट क्लिक करके स्टार्ट कर दो, तो अगर ये बूट हो रहा है तो लाइसेंस फाइल आपका है, ठीक है। और इस पे डबल क्लिक करके जो भी आप यूज़ कर रहे हो, चाहे सिक्योर सीआरटी यूज़ कर रहे हो या पुटी यूज़ करें, तो ये उसमें ओपन हो जाएगा, और ये ओपन हो गया, तो स्विच का जो इमेज है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। शो वी लैन ब्रीफ करके जस्ट यस, तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कह देता हूँ कि डन हो गया, क्योंकि तो मैं एनी डेस्क से हूँ, इसको आवाज़ नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका मसला भी चेक पॉइंट स्टार्ट करो प्लीज।
right, very soon I will ping you. ठीक है, तो ये रहा इसका मसला सॉर्ट आउट हो गया। तो अपने याद रखना है कि कौन सा पाथ है जहाँ पे हम स्विच जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है।